और एक मामले में मैं और भी बोलता हूं, अगर आप पर्दे के पीछे देखेंगे तो भाजपा के केंद्रीय प्रशासन में या केंद्रीय नेतृत्व में कान पे जू भी नहीं रही है, उसके मैं लॉजिक आपको दूंगा। एक पॉलिटिकल एम्बुश एक वर्ड होता है, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो था, ये व्यक्तिगत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी, ये उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी रणनीतिक क्षमता के ऊपर ये चीज एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्वेश्चन ये उठेगा, बीजेपी हाईकमान वाले ये पूछेंगे कि भाई जब हाईकमान रहेगा तो आप इतने अंतर से जीतते हो, और हाईकमान नहीं है तो आपकी क्षमता ये है। तो ये लोग हार जीत से ज्यादा दुखी नहीं है, इस चीज से ज्यादा दुखी है कि इनको एक बार ये समझ में आ गया, बीजेपी ये बोलेगी कि भाई सेंट्रल कमांड जो टीम है वो सेंट्रल कमांड है, उसके बिना आप लोगों का, आप लोगों की नेतागिरी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इनके लिए इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसकी इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ 2019 के। देखिए ऐसे ही मैं जीतनी वाली पार्टी को, सपा बसपा को भी मैं बोलना चाहूंगा, आप जीत रहे हैं या जीतेंगे, जो भी जीतेंगे मेरी तरफ से उनको बधाई है और खुश होने का उनके लिए मौका है। लेकिन 2019 की जो चुनौती है, इस जीत की खुशी में आप इतना ना खो जाइएगा कि एक साल केवल ऐसे ही बस खुशी मनाने में गुजर गया, दो सीटों से आप सरकार नहीं बना पाओगे। एक बहुत बड़े लेवल पे आपको तैयारी करनी है और माइक्रो लेवल पे आपको चेंजेस करने हैं।